हेलो दोस्तों, तो आज बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो ये है बासी रोटी जो शाम को बच गई थी करीब 5-6, और इसको मैंने क्या करा पीस लिया है। तो चलिए हम इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं जो कोई भी वेस्ट नहीं जाएगी रोटी आपकी, और सबके सब बहुत अच्छे से खाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बासी रोटी का बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी रोटी बची हुई थी, बस इसको मैंने 4 से 5 रोटी का ही बनाया है क्योंकि ज़्यादा हम नहीं बनाए हैं। 3 लोगों के खाने के लिए 4 से 5 रोटी का बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपकी रेसिपी समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको बहुत बारीक मत करना और बहुत ज्यादा बड़ा भी मत रखना। देख सकते हो आप इसका जितना मोटा है आप इसको इतना ही इसका मोटा ही रखना, मतलब कि बहुत ज्यादा बारीक मत करना। तो यहाँ पे बस दूसरी रोटी भी मैं 2 तोड़ कर, एक बार 3 तोड़ कर मैंने निकाला, इस बार 2 तोड़ कर निकाल रही हूँ, यानी 5 रोटी का मैं बस बना रही हूँ नाश्ता। और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, आपका वेस्ट बिल्कुल भी, रोटी बची हुई रहती है ना तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। और बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो एकदम निकल गया, बड़े टुकड़े नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हैं बस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भरभर है क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है ना, तो इसको थोड़ी सी नमी देने के लिए हम इसमें पानी का छिड़काव कर रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं, गीला नहीं करना एकदम फ्रेंड, बस हल्का सा इसको पानी का छिड़काव दोगे आप ना, इसे नरम हो जाएगी रोटी। बस ज़्यादा नहीं, बस 2-3-4 चम्मच मतलब आप इसको छिड़क देना, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना। तो आप देख सकते हो 2 चम्मच मैंने एक बार छिड़का और 2 चम्मच मैं एक बार छिड़क रही हूँ। तो इस तरीके से आप छिड़क कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और इसको छोड़ देना रेस्ट के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ दे रही हूँ, रेस्ट कर दे रही हूँ, 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद तब तक हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सोयाबीन भिगो रही हूँ। तो सोयाबीन भिगोने से पहले आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना, मैं बाद में डाल रही हूँ, फिर भी आप पहले डाल देना, उसके बाद नमक को थोड़ा सा मिक्स कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन प्याज टमाटर शिमला मिर्च मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद फिर से मैं इसको देख रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया है। तो बस इस प्रकार से आपको रोटी को थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम कर लेना, बहुत ज़्यादा एकदम गीला गीला मत करना। आप देख सकते हो इसमें पानी डालने के बाद भी ये कितना खिला खिला दिख रहा है। बस यहाँ पर आप पैन रख देना गर्म होने के लिए, उसके बाद तेल डाल देना, तेल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो आप ज़्यादा कम जैसा खाते हो उस हिसाब से। उसमें सबसे पहले जीरा मोहरी डालकर हम तड़का लगा लेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक तरफ लहसुन, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास जो भी है हरी मिर्ची वो डाल सकते हो, लाल मिर्ची पसंद करते हो खाना तो वो डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो जो आपको पसंद है। उसके बाद शिमला मिर्च, उसके बाद सोयाबीन, यहाँ पे आपको मटर टमाटर जो भी डालना है वो भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी कटिंग करा है मैंने प्याज, आप चाहो तो छोटी छोटी प्याज की कटिंग कर सकते हो, तो प्याज थोड़ी सी मुँह में आती है तो अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी स्लाइस में रहती है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इसलिए कटिंग करा प्याज को, तो आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर सकते हो। बस इसको अच्छे से हम इसको भून देंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत बारीक नहीं करना, बहुत मतलब लाल नहीं करना, एकदम थोड़ा सा कम लाल रहना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाल करने के लिए, जल्दी लाल हो जाता है ना, जलता नहीं है, जल्दी से लाल हो जाता है, पानी छोड़ देता अपनी प्याज, इसके लिए हम नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। बस आपको भी नमक ऐड कर देना, आपको जल्दी से प्याज अगर लाल करना है तो। इसके बाद हमारी प्याज थोड़ी सी पक जाती है ना, तो इसको हम ढक देते हैं, ढककर फिर निकालते हैं। तो देख सकते हो आप थोड़ी सी हो गई है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करा है मैंने, बस थोड़ी सी लाल हुई है, उसके बाद तुरंत हम इसमें रोटी डाल देंगे, क्योंकि रोटी हमारी जब होगी ना तो तब भी हमारी प्याज होती रहेगी, और बहुत ज़्यादा प्याज हो जाएगी तो सब्जी हमें बनाना नहीं है, इसको खाना है हमें। बस इसमें हम इसी यहीं पर हम डाल देंगे यहाँ पर हल्दी, उसके बाद ये चटपटा मसाला है, आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं चटपटा मसाला डाली हूँ, उसके बाद नमक ऐड कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे ध्यान देना 2 बार नमक मैंने डाला है, तो यहाँ पे नमक आपको ध्यान देना है, रोटी में जितना लगे उतना ही नमक डालना है। उसके बाद टमाटर डाल देना, उसके बाद थोड़ा शिमला मिर्च मैंने बचा कर रख लिया था इस टाइम डालने के लिए, क्योंकि वो शिमला मिर्च थोड़ी सी तेल में हो गई है तो सॉफ्ट हो गई है, ये थोड़ा सा मुँह में जाएगी ना तो अच्छी लगेगी इसके साथ जाएगी। तो बस इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा भर भर लग रहा है मुझे को, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए हम थोड़ा सा एक बार पानी का छिड़काव करेंगे। तो यहाँ पे अब मुझे बहुत ज़्यादा ही ये सूखा सूखा लग रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूँगी जिससे कि जले ना। तो ये कम कम तेल में बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर एक बार मैंने ढक दिया था 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि बहुत सूखा सूखा है ना, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगी इसमें, जिससे कि इसमें नमी आ जाए। तो फ्रेंड, इसमें नमी लाने के लिए मैं इसमें 4-5 चम्मच पानी छिड़क रही हूँ, और आप देखना अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रोटी है तो ज़्यादा पानी लग सकता है, तो गर्मी के दिन में अगर बना रहे हो तो आप तो रोटी थोड़ी सी कड़क पड़ जाती है तो थोड़ा पानी ज़्यादा लग सकता है, अगर ठंडी दिन में बना रहे हो आप तो बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉफ्ट रहती है रोटी वैसे भी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया ना, थोड़ा सा नरम हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे, होने देंगे कम से कम 4-5 मिनट के लिए। हम इसको ढक देंगे और होने देंगे। तब तक मेरे चैनल पे आप नए हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके जाना फ्रेंड। प्लीज़ चैनल पे नए हो ना तो, और यार नए नहीं हो पुराने हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप देख सकते हो हमारा हो गया है। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं, आप लोग खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, और बहुत ही हेल्दी है। और है तो बासी पर बहुत हेल्दी हो गया, क्योंकि इसमें नयापन आ चुका है अभी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद। तो बस इसको आप हम सर्व करते हैं आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कोई पूरे यूट्यूब पे इस तरीके की रेसिपी नहीं बनी हुई है, इसे हम मनोहार बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बब्बा एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।